आज दोपहर 1 बजे राहुल गांधी दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, सदस्यता रद्द होने पर करेंगे बात। सदस्यता रद्द होने पर राहुल ने किया ट्वीट, लिखा देश की आवाज के लिए मेरी लड़ाई, हर कीमत चुकाने को तैयार। राहुल की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के खिलाफ सोमवार से प्रदर्शन करेगी कांग्रेस, संविधान बचाओ अभियान शुरू करेगी कांग्रेस पार्टी। राहुल की सदस्यता रद्द होने पर बोली प्रियंका गांधी, डरेंगे नहीं लड़ते रहेंगे, लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक दिन। महाराष्ट्र में आज से राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का राज्यव्यापी प्रदर्शन, अधिक से अधिक लोगों के आने की उम्मीद। सूरत कोर्ट और लोकसभा सचिवालय के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं राहुल, फिलहाल नियम के मुताबिक 8 साल तक नहीं लड़ सकते चुनाव। केरल के वायनाड से सांसद थे राहुल गांधी, सूत्रों के मुताबिक उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने शुरू किया मंथन। राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बयान, कहा सच बोलने की सजा मिले। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले जारी रहेगी हमारी लड़ाई, कहा यह लोकतंत्र की हत्या, ओम शांति। राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, नियमों के तहत कार्रवाई हुई है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का निशाना, कहा अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला, सरकारी संस्थाओं का किया जा रहा है दमन। राहुल की सदस्यता रद्द होने पर बोले राजस्थान सीएम अशोक गहलोत, कहा राहुल गांधी देश की आवाज है, तानाशाही के खिलाफ आवाज और मजबूत होगी। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का किया बचाव, बोले बीजेपी की भाषा बहुत खराब, सजा हो जाए तो रोज जाएगी सदस्यता। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम पर कसा तंज, कहा पीएम मोदी का सिर्फ एक ही काम, रोज किसी को जेल भेजो या सदस्यता रद्द करो। खड़गे ने कहा सदन के अंदर और बाहर उठाते रहेंगे आवाज, कांग्रेस की लीगल टीम कर रही अगले कदम की तैयारी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस का जेल भरो आंदोलन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। लखनऊ में राहुल की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। हिमाचल के मंडी में कांग्रेस का अल्लाह बोल, राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने के खिलाफ प्रदर्शन, केंद्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पोस्टर पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने फेंकी कालिख। राहुल की सदस्यता रद्द होने पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा, बारामती में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अगर बात करें तो आक्रामक हो गए, राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी हुई। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे कर्नाटक का दौरा, चिक्काबल्लापुर में एक मेडिकल साइंस और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन करेंगे पीएम। आज दावणगेरे में विजय संकल्प रैली के समापन पर प्रधानमंत्री मोदी की मेगा रैली, साल 2023 में पीएम मोदी का यह 7वां दौरा होगा। पीएम मोदी बेंगलुरु मेट्रो की नई लाइन का शुभारंभ करने वाले हैं, व्हाइटफील्ड कृष्ण राजपुर मेट्रो लाइन का उद्घाटन करेंगे। और बेंगलुरु को गृहमंत्री अमित शाह ने दी 1400 करोड़ की सौगात, कई विकास परियोजनाओं की रखी गई आधारशिला। जबकि छिंदवाड़ा में गृहमंत्री अमित शाह के स्वागत में बनाई गई जलते दीयों से आकृति, 11,000 दीपक का इस्तेमाल। अमृतपाल केस में पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के करीबी सुखा नाम के शख्स को हिरासत में लिया है, हरियाणा से अमृतपाल ने सुखा को किया था फोन। जालंधर में अमृतपाल सिंह और उसके एक साथी के खिलाफ एक और मामला दर्ज, अमृतपाल की तलाश में जुटी है पंजाब पुलिस। अमृतपाल सिंह पर बोले कानपुर के करौली बाबा, कहां जाएगा बचकर, मदद मांगी गई तो गिरफ्तारी के लिए करेंगे अनुष्ठान। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की तलाश में पंजाब पुलिस, पड़ोसी राज्यों में भी चला रही है सर्च ऑपरेशन, यूपी उत्तराखंड समेत नेपाल बॉर्डर पर भी अलर्ट। बहराइच में नेपाल बॉर्डर पर लगे अमृतपाल सिंह के वांटेड वाले पोस्टर्स, हर आने जाने वाले पर पुलिस की नजर। जगदलपुर में सीआरपीएफ के रेजिंग डे समारोह में शामिल होंगे अमित शाह, सुबह का कार्यक्रम। आज योगी सरकार 2.0 की पहली वर्षगांठ, सीएम योगी अपने कार्यकाल पर श्वेत पत्र जारी करेंगे। दिल्ली में सीबीआई मुख्यालय में तेजस्वी यादव की पेशी, जमीन के बदले नौकरी मामले में पूछताछ। दिल्ली में कोरोना मामलों में बड़ा उछाल, 24 घंटे में 152 नए मामले दर्ज, पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 6.66%। उमेश पाल हत्याकांड मामले में बमबाज गुड्डू, मुस्लिम के घर पर आज चल सकता है बुलडोजर। कर्नाटक में आरक्षण के आंकड़े में बड़ा बदलाव, अब 56% तक रिजर्वेशन।
SC ST आरक्षण को कोटा बढ़ाया गया, 4% मुस्लिम आरक्षण खत्म कर उसे EWS सेक्शन में डाला। दिल्ली में RSS नेता इंद्रेश कुमार ने एक राष्ट्र एक कानून पर सेमिनार को संबोधित किया। जम्मू कश्मीर के तंगधार में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, एक आतंकवादी का भी काम तमाम। अमृतपाल मामले में हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा, अमृतपाल को नहीं पकड़े जाने पर सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। दिल्ली के जंतर मंतर पर DMD नाम की गंभीर बीमारी से पड़े देश भर से आए बच्चों ने किया प्रदर्शन, सरकार से इलाज की मांग, प्रधानमंत्री मोदी के लिए भेजा संदेश। हैदराबाद में TPCC चीफ हाउस अरेस्ट, पेपर लीक के मामले में हंगामे का सार। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कई छात्रों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया, पेपर लीक केस पे विरोध प्रदर्शन की तैयारी थी। बेंगलुरु में बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, SC ST आरक्षण की मांग। राजस्थान के धौलपुर में विश्व टीबी दिवस पर मेडिकल के छात्रों ने नाटक के माध्यम से दिया बचाव का संदेश, लोगों ने की तारीफ। यूपी के फतेहपुर में विश्व टीबी दिवस के मौके पर NCC कैडेट्स ने निकाली रैली, लोगों को टीबी के खिलाफ किया जागरूक। राजस्थान के करौली में गंगापुर सिटी को जिला बनाने पर लोगों का हंगामा, CM गहलोत के नाम सौंपा ज्ञापन। गुरदासपुर में घुसपैठ कर रहे पाकिस्तानी ड्रोन पर BSF के जवानों ने की फायरिंग, सर्च में हथियार बरामद। हरदोई में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह का आयोजन, 1000 से ज्यादा जोड़े शादी के बंधन में बंधे। देवरिया में बेमौसम बरसात के कारण हुई क्षति, सर्वे नहीं करने पर लेखपाल निलंबित। जबकि यूपी के बुलंदशहर में भूकंप को लेकर NDRF और पुलिस की मॉक ड्रिल, जिला अस्पताल में किया गया था आयोजन। सोनीपत में भी 5 इलाकों में हुई भूकंप को लेकर मॉक ड्रिल, SDRF और जिला प्रशासन ने आयोजन किया था। मौसम साफ होने के बाद केदारनाथ यात्रा की तैयारी फिर से शुरू, बर्फबारी की वजह से पैदल रास्ते को हुआ था नुकसान। सीकर में राइट टू हेल्थ बिल को लेकर डॉक्टर्स का विरोध जारी, काले कपड़े पहनकर DC ऑफिस के बाहर किया धरना प्रदर्शन। हिसार में मुआवजे की मांग को लेकर किसान का विरोध प्रदर्शन, डिप्टी CM के खिलाफ जमकर नारेबाजी। इटावा में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का मुआवजे की जांच को लेकर प्रदर्शन, 8 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। जबकि पटना में बिजली बिल की बढ़ोतरी को लेकर जन अधिकार पार्टी का हंगामा, गले में बिजली का मीटर लगाकर किया गया प्रदर्शन। उधर करौली में मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन, DC को सौंपा गया ज्ञापन। राजस्थान झालावाड़ में मंडी में गेहूं के कम भाव मिलने के कारण किसानों में रोष, प्रशासन ने किसानों को समझाकर खुलवाया जाम। धनबाद में हुए क्रैश, ग्लाइडर की जांच में पहुंचे झारखंड नगर निगम विभाग के निदेशक। रांची में सरहुल पर्व की धूम, लोगों ने प्रकृति संरक्षण का प्रण लिया, पूरे विधि विधान से प्रकृति की पूजा अर्चना की गई। सरहुल पर्व के मौके पर मुख्यमंत्री रहे मौजूद, ढोल की थाप पर आदिवासियों के साथ किया पारंपरिक नृत्य। जमशेदपुर में पूर्व CM रघुवर दास ने लिया महान पर्व सरहुल में हिस्सा, पूजा अर्चना के अलावा पारंपरिक थाप लगाई। खरगोन में 3 दिवसीय गणगौर का हुआ शुभारंभ, पूरी श्रद्धा के साथ किया माता का पूजा। समस्तीपुर में प्रशासन की अनोखी पहल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता रथ को DM ऑफिस से हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। रायबरेली में किसान की गोली मारकर हत्या, खेत की रखवाली कर रहा था किसान। मोतिहारी में एक साथ 3 वाहनों में हुई टक्कर, कई लोग जख्मी हो गए, 4 की हालत नाजुक बनी हुई है। जबकि बहादुरगढ़ में पति ने पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी, शव को मौके पर छोड़कर आरोपी फरार हो गया। हरदोई में संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में पड़ा मिला अधेड़ का शव, सगे भाई पर हत्या का आरोप है। कानपुर देहात में ऑयल फैक्ट्री में अचानक ब्लास्ट, 1 की मौत, 5 जख्मी। फिरोजपुर में भीषण सड़क हादसा, रोडवेज बस और गाड़ी की टक्कर में 4 लोगों की मौत। बहराइच में 8 वर्षीय मासूम की गला काटकर हत्या, खेत में शव मिला। मध्य प्रदेश के कटनी में 12वीं के छात्र पर 5 लोगों ने चाकू से हमला कर दिया, 12वीं का लास्ट पेपर देकर निकल रहा था यह छात्र बाहर। मेरठ में भाई बहन की हत्या का सनसनीखेज खुलासा, सिद्धि पाने के लिए मां ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने बेटों की हत्या कर दी।
झांसी में दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने किया पर्दाफाश। अवैध संबंध को लेकर हुई थी पिता पुत्र की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। उधर पलवल में रेप पीड़िता नाबालिग को न्याय दिलाने के बहाने एएसआई ने उसके साथ दुष्कर्म किया, विरोध करने पर देता था जान से मारने की धमकी। जबकि मुजफ्फरपुर में बेटे को जहर देकर मारने के आरोप में मां गिरफ्तार, पिता और भाई पहले से हैं जेल में बंद। हुगली में एक साल के लंबे इंतजार के बाद मृतक युवती के परिवार को मिला इंसाफ, बेटी का हत्यारा गिरफ्तार। समस्तीपुर में ट्रेन से गिरकर युवक की मौत हो गई, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। धनबाद में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में दोनों दोषी को मिली सजा, पॉक्सो कोर्ट ने 10,000 रुपए जुर्माने के साथ दी उम्र कैद की सजा। जबकि कानपुर में अब बैंक के लॉकर से गायब हुए 1.5 करोड़ के जेवर, चोर की तलाश में जुटी पुलिस। मुंबई में एक शख्स ने चाकू से 5 लोगों पर हमला कर दिया, 3 लोगों की मौत हो गई, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब के फरीदकोट में नशे की ओवरडोज के कारण नौजवान की मौत हो गई, जांच कर रही है पुलिस। जोधपुर में हिस्ट्री शीटर और पुलिस के बीच एनकाउंटर, बदमाश जख्मी। अंबाला पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है, 2 महिला सहित सेक्स रैकेट चलाने वाला दंपत्ति गिरफ्तार। गाजियाबाद में दबंगों ने एक दुकानदार को बेरहमी के साथ पीटा, 2 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। गुरुग्राम में साइबर क्राइम टीम ने किया फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 12 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इंदौर में लाखों की चोरी का खुलासा, नौकरानी ने अपने संबंधी के साथ मिलकर चोरी को अंजाम दिया था। यूपी के बाराबंकी में 50 लाख की अवैध स्मैक बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार। औरैया में 3 बच्चों पर कुत्ते का हमला, शिक्षक ने बचाई बच्चों की जिंदगी। दरभंगा में रामनवमी और रमजान को लेकर प्रशासन अलर्ट, अश्लील गानों और डीजे पर पूरी तरह से बैन। आतंकी हमले से निपटने की तैयारी के लिए मॉक ड्रिल की गई, ताज सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों के साथ सीआईएसएफ बम डिस्पोजल स्क्वाड ने लिया हिस्सा। फतेहपुर में कब्रिस्तान की जमीन पर दबंगों ने किया कब्जा करने की कोशिश, जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर अवैध कब्जे को हटवाया। पंजाब के फाजिलका में चक्रवाती तूफान ने बचाई तबाही, कई मकानों के छतें उड़ गए, 6 लोग जख्मी हो गए। भरतपुर में बेमौसम बरसात और भारी ओलावृष्टि का कहर, कई एकड़ फसल तबाह। बरेली में एसओजी टीम ने लाखों की चोरी का खुलासा किया, महंगे शौक को पूरा करने के लिए बन गए थे चोर।